तो गाइस इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं उनके एक ओल्ड चैनल होगा जिसके वो काम कर रहे हैं, तो बेटर इज न्यू चैनल या ओल्ड चैनल, तो डोंट वरी गाइस, क्योंकि आज इस वीडियो में ऐसे स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिनसे आप ओल्ड चैनल या न्यू चैनल को फास्ट ग्रो कर सकते हैं। एक्चुअल में लोग यूट्यूब पर व्यूज, सब्सक्राइबर एंड अर्निंग के लिए काम करते हैं, और वही यूट्यूब का एल्गोरिथम ओनली दो स्टेप पर काम करता है, पहला CTR और दूसरा ऑडियो रिटेंशन। और गाइस मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखते हैं तो कोटी वाइटिंग जैसा आप भी अपने चैनल को बहुत ही तेजी से ग्रो कर लेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 यूट्यूब एल्गोरिथम। फॉर एग्जांपल चलो मान लो आपने यूट्यूब पर एक वीडियो अपलोड कर दिया है एंड यूट्यूब इस वीडियो को 100 लोगों के पास भेज दिया है जिनमें से 10 व्यूअर्स ने आपके वीडियो पे क्लिक किया, सो योर CTR इज 10%। देन यूर क्वेश्चन, आखिर में CTR होना कितना चाहिए? इट नोट इज म्यूजिकल नंबर, आपको हमेशा अपने CTR को इंक्रीज करना चाहिए, तो जितना ज्यादा CTR एंड उतना ज्यादा इंप्रेशन। चलो मान लिया थंबनेल के दम पर आपने तो वीडियो पर क्लिक करा लिया, बट उसे आखिर तक देखेगा कौन? तो डोंट वरी गाइस, फॉलो इज सेकंड स्टेप, ऑडियो रिटेंशन। यूट्यूब चाहता है कि लोग उसके प्लेटफॉर्म पर ज्यादा से ज्यादा देर तक टिका रहे, तो जितना ज्यादा टाइम उतनी ज्यादा एड एंड रिजल्ट में इतनी ज्यादा अर्निंग। तो ऑडियो रिटेंशन इंक्रीज करने के लिए इम्पोर्टेंट इज टू स्टेप, फर्स्ट एडिटिंग एंड सेकंड वॉइस ओवर। तो गाइस वीडियो एडिटिंग करते समय बीच बीच में कोई ऐसे इंटरेस्टिंग पार्ट को एड कर देना है जिनसे आपका ऑडियंस आपके वीडियो को फुल वॉच करे। बट इन सभी स्टेप को फॉलो करने से पहले इन तीन बातों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट, आपके चैनल का नीच क्लियर होना चाहिए जिनसे यूट्यूब को यह पता चले कि आखिर में आपके वीडियो को किस तरह के व्यूअर के पास सजेस्ट किया जाए। चैनल का ब्रांडिंग जिनसे आपका चैनल देखने में प्रोफेशनल लगे। एंड थर्ड, कवर ट्रेंडिंग टॉपिक, तो अब आपके पास एक चैनल है जिसका नीच भी क्लियर है और उसका ब्रांडिंग भी प्रोफेशनल है और आप वीडियो अपलोड भी कर चुके हैं, बट नो व्यू। एंड 99% क्रिएटर डिमोटिवेट होकर अपनी गलतियां ढूंढने के बजाय अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करना ही बंद कर देते, बट आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि आपको पता है हीरो से हीरो बना जाता है। उसका बेस्ट ट्रिक यह है कि नीच के अकॉर्डिंग एक क्रिएटर के वीडियो देखकर अपनी गलतियों को सुधार करने के प्रयास करें। तो अब इस वीडियो में पूरे टॉपिक तो क्लियर कर लिया, बट आपको यह बताते चलिए अगर आपके पास एक ओल्ड चैनल है तो उस पर काम करने के बजाय एक न्यू चैनल क्रिएट कर ले। अगर उस पर आप 100% देकर वीडियो अपलोड करते हैं तो आपका चैनल 30 दिन में ग्रो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्लिप देख ली, रिकॉर्डिंग वाइटी ने 25 वीडियोस के अंदर 366K सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए। तो आखिर में रिकॉर्डिंग वाइटी के ग्रोथ का सीक्रेट क्या है? रिकॉर्डिंग वाइटी की फर्स्ट 3 वीडियोस पॉपुलर क्रिएटर्स के ऊपर थी, जो उन क्रिएटर्स के व्यूअर्स थे, उन्होंने जाके रिकॉर्डिंग वाइटी की वीडियो को वॉच किया और वो रिकॉर्डिंग वाइटी के रेगुलर सब्सक्राइबर्स बन गए।